చెల్లింపుదారుల ప్రోత్సాహం కోసం కొత్త పన్ను పథకాన్ని కేంద్రం ప్రవేశపెట్టింది. పారదర్శక పన్ను విధానం నిజాయితీ పరులకు గౌరవం అనే పేరుతో కేంద్రాన్ని ప్రవేశపెట్టిన నూతన పన్ను చెల్లింపు పథకాన్ని ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ప్రారంభించారు. धन्यवाद प्रधानमंत्री जी. अब मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपने विचारों से हमारा मार्गदर्शन करें. आदरणीय प्रधानमंत्री जी. नमस्ते जी. देश में चल रहा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का सिलसिला आज एक नए पड़ाव पर पहुंचा है. ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन, ऑनरिंग द ऑनेस्ट, 21वीं सदी के टैक्स सिस्टम की इस नई व्यवस्था का आज लोकार्पण किया गया है. इस प्लेटफॉर्म में फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील और टैक्स पेयर्स चार्टर जैसे बड़े रिफॉर्म्स हैं. फेसलेस असेसमेंट और टैक्स पेयर्स चार्टर आज से ही लागू हो गए हैं, जबकि फेसलेस अपील की सुविधा 25 सितंबर यानी दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मदिन से पूरे देश भर में नागरिकों के लिए उपलब्ध हो जाएगी. अब टैक्स सिस्टम भले ही फेसलेस हो रहा है, लेकिन टैक्स पेयर को ये फेयरनेस और फियरलेसनेस का विश्वास देने वाला है. ये सभी टैक्स पेयर्स को इस महत्वपूर्ण तोहफे के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और इनकम टैक्स विभाग के सभी अधिकारियों को, हर छोटे मोटे कर्मचारी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं. साथियों, बीते 6 वर्ष में हमारा फोकस रहा है बैंकिंग द अनबैंक, सिक्योरिंग द अनसिक्योर्ड और फंडिंग द अनफंडेड. आज एक तरह से एक नई यात्रा शुरू हो रही है. ऑनरिंग द ऑनेस्ट, ईमानदार का सम्मान. देश का ईमानदार टैक्स पेयर राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है. जब देश के ईमानदार टैक्स पेयर का जीवन आसान बनता है, वो आगे बढ़ता है, तो देश का भी विकास होता है, देश भी आगे बढ़ता है. साथियों, आज से शुरू हो रही नई व्यवस्थाएं, नई सुविधाएं मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस, इसके प्रति हमारी प्रतिबद्धता को